નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હવે આપણે એવા કે મહાન વ્યક્તિ વિશે ભણવાનું છે આજે, જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં વિક્રમ સારાભાઈ વિશે આવેલું છે. હવે તમારો પાઠ નંબર છે 6, વિક્રમ સારાભાઈ. તો તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને હું વાંચન કરું, સાથે સાથે સમજૂતી પણ આપતી જઈશ. એક એસે મહાન વૈજ્ઞાનિક થે જબ એક માત્ર 2 વર્ષ કે તે તબ ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કે ભવિષ્યવાણી કી થી કે હમ બાલક બડા હોકર યશસ્વી ઓર ઉસકે બાલક કે ઉનકી ભવિષ્યવાણી અપને કર્મો સે સચ સાબિત કર ડાલી. જો રવીન્દ્રનાથ ટાગોર વિક્રમ સારાભાઈ ના ગુરુ હતા, એ નાનપણ થે તેમણે એ ગુરુએ કહી દીધું કે આ ખૂબ જ મહાન વ્યક્તિ બનવાનો છે. वे चलती वे चलती वे कौन थे? वे हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई. तो हमारे पाठ्यपुस्तक में जो विक्रम साराभाई नो सरस मजानो फोटो पर आवेलो छे, तो विक्रम साराभाई नो जन्म छे 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. आपने जे जे लिपि के अंडरलाइन करवानी को ते अंडरलाइन करतु जवानो, जेथी करीने तमे वाचन वाचवामां सहेलाई पड़े. तो विक्रम साराभाई नो जन्म छे 12 अगस्त सन 1912 अहमदाबाद में हुआ था, त्यां पर अंडरलाइन करो. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, એટલે કે તેમનો પરિવાર કેવો હતો, પહેલેથી જ ઉદ્યોગપતિ વાળો હતો. હવે એના માતા પિતાનું નામ છે, માતાનું નામ પિતાનું નામ છે અંબાલાલ અને માતાનું નામ છે સરલા દેવી. વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન થે, ત્યાં પણ લાઈન કરવાની છે પિતાના નામ અને માતાના નામ ઉપર અને 8 ભાઈ બહેન થે. બાલ્યકાળ સે પ્રતિભા કે વિક્રમ સારાભાઈ કે बचपन का ये प्रसंग है. सफलता हासिल करने की बुलंद इरादे दर्शाता जब वह 5 साल के थे तो परिवार के साथ मिल गए. शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम का 13 चिट्ठी आती थी. यह देखकर बालक विक्रम सारा मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए. जो घनी वक्त में थत हो बाड़क हमेशा अनुकरण करते, તો એના પપ્પા એવું કઈક કરતા હતા કે ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ લખતા હતા અને એની ચિઠ્ઠીઓ આવતી હતી. એટલે વિક્રમ સારાભાઈને પણ એવું થાય છે કે મારા પપ્પા કરે છે, મારે પણ કરું છું, હું ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ લખીશ એટલે મારે પણ એટલી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવશે. ઇસીલીએ કોઈ લિફાફા પર અપના નામ કા પતા લિખા હોય ડાકઘર મેં ડાલ દિયા. ફિર ક્યાં તાઉ કે નામ પર ઢેરો ચિઠ્ઠી આને લગી. पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम साराभाई काम के पीछे उद्देश्य का जीवन की इच्छा है, इसलिए मालूम होना पड़ा कि उसे हंसी आई. लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगे. એટલે એક પપ્પા થાય છે કે આટલી બધી ચીજો કેમ આવે છે, તો પછી ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવે છે કે આ બધું વિક્રમ સારાભાઈ કરતા હોય છે. એટલે પપ્પાને હસવું પણ આવે છે કે હું જે કામ કરું છું એ જ બાળક કરે છે. એક બાજુ એવું પણ થાય છે કે ચાલ એક સારું કરી રહ્યો છે, પ્રગતિ થી હાસિલ કરવાની એનામાં ક્ષમતા એટલે કે વિચારો છે. લેકિન સફળતા પાને કી ઈચ્છા જાણકર અચ્છા ભી લગા. જબ વો 8 સાલ કે થે તો ઇસ સાઇકલ પર વિભિન્ન કલાબાજી કરતે ઓર લોગો કો અચ્છબ ભી કર દેતે. લે ઘણી તમ ટીવી માં જો છો અમુક માણસો સાઇકલ ઉપર બાઇક ઉપર છૂટા આવી ચલતા હોય છે. એ જ રીતે આયા પણ વિક્રમ સારાભાઈ એ રીતે કરતા હતા. उन्हें शास्त्रीय काल नाम में प्रिय थे. गणित तथा भौतिकी प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी. बताया क्या विषय में रस तो गणित ने होती. उन्होंने मैट्रिक परीक्षा जो जे साल आए थे आपने अंडरलाइन करवानी चाहिए 1934 में पास की. सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की. सन 1937 में इंग्लैंड चले गए. सन 1940 में क्रेडिजिन के गणित भौतिक में बीएससी की परीक्षा सफलता प्राप्त की. तपस्वी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी. विक्रम साराभाई लौट आए. भारत में उन्हें सर वी रामन तथा डॉक्टर हमी बाबा का सानिध्य मिला. कौन? सर वी सीवी रामन अने डॉक्टर મમ્મી પપ્પા
वह राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। એટલે કે મૃણાલિની જે છે એની પત્નીનું નામ છે એટલે તે 1942 में उसके साथ शादी हुई। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई से आने जाने की रहस्य काविश के किरणों पर अनुसंधान की क्रेडिट विश्वविद्यालय सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रयोग निकाल और श्रेय विक्रम साराभाई का किया। इसके नाम पर विक्रम साराभाई ने के कागल बदलाव मिले में जितना सा मूर्ति हते थे खूब नाम पर वाये आगे बढ़ी गया होता। विक्रम साराभाई निजी प्रयासों के सन 1937 में भौतिक अनुसंधान का प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई जिसे बहुत आज जन्म शब्द रहे। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में ही हुआ था। आधारशिला की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रहण तारा प्लाज्मा भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते थे। जो क्या पर अंडरलाइन करो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विकिरण सूर्य तारा प्लाज्मा जेवा भौतिक जे अवकाशी पदार्थों छे एनो पर कार्य करी गया हता। सन 1961 में वे पुराने ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्था का भार युवा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया था। जो डॉक्टर भाभा नु मृत्यु थयु त्यारबाद आ बधी जवाबदारी कोना पर आवी गई तो डॉक्टर विक्रम साराभाई पर। उन्होंने भारतीय अनुसंधान के केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। वह उनकी अगुवाई एवं परिश्रम की परिणाम है। भारत में दूरसंचार दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपण अनेक उपग्रह अंतरिक्ष सफलता कार्य प्राप्त किए हैं। उसके बाद 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरपुर भटनागर पुरस्कार सन 1966 के पद्म भूषण तथा सन 1972 में वरुणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया है। यहाँ पर अंडरलाइन करवानी छे। निःशस्त्रीकरण के संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान के अध्यक्ष बने। त्याग अंडरलाइन करो। उन्हें इंडियन जियोलियन के यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई 1970 में वे विनय शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु के मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद के अध्यापक व विज्ञान के अध्यक्ष भी बने। वह केवल उच्च कोटि वैज्ञानिक की ही नहीं थे बल्कि व्यवस्था के बावजूद कला शिक्षा के समाज के पर्याप्त समय निकालते थे। उन्हें ही प्रयासों को अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। आ पाठमा तमने फक्त जे साराभाई के कई सालों में સુપ્રસિદ્ધ કર્યું છે કેટલું એનું કામ કર્યું છે ક્યાં એને ભણ્યા છે બધી તમને અહીંયા માહિતી આપેલી છે। 21 ડિસેમ્બર સન 1971 કો કાલ તારીખ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ કો ત્રિવેદી કે રાંચી સ્ટેશન થુંબાને કાર્ય નિરીક્ષણ કે લીએ ભેજા ગયા। વહાં એક હોટલ મેં ઠહરે થે યહી હૃદય કી ગતિ રૂકને સે ઉનકી મૃત્યુ હો ગઈ। જો ક્યાં પર અંડરલાઈન કરો કે 21 तारीख 1971 विक्रम साराभाई थुम्बा गए थे तो उसको अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें निधन से विटामिन ए भी नए आयाम में जोड़े वाले एक जीवन के चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत्सर प्रणाम। अब आप थोड़ा शब्दार्थ समझी लेसु। इरादा तो विचार, लिफाफा तो पत्र लेकर भेजने जाता है।
લેવો તો બહુ લે સકો સુબુદ અનુસંધાન તો ખોજ અને ઉપાધિ તો પ્રતિષ્ઠા હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પાઠની સમજૂતી પણ મળી ગઈ છે શબ્દાર્થો છે એટલે નોટબુકમાંથી પ્રશ્નો કરી ખાલી જગ્યા જે કંઈ હોય તે તમારી નોટબુકમાં ઉતારવાનું રહેશે જય હિન્દ